Good morning, everybody. So today first we'll discuss regarding the doubts related to composite functions. And this is the first doubt, that is question number 11 in our assignment. And this question is basically CBSE 2015 question. अब इसमें क्या है कि वो कह रहा है इसको समझने से पहले, क्योंकि ये पार्ट हमारी प्लस वन में बहुत जगह कवर नहीं हुआ क्योंकि दिस वॉज अ डिलीटेड पार्ट, बट लेट्स अंडरस्टैंड ये कहना क्या चाह रहा है. मैं कहता हूं कोई एग्जांपल के तौर पे मेरा एफ एक्स है साइन एक्स और जी एक्स है टू एक्स, साइन एक्स 2x, और मैं इसको थोड़ा और बदल दूं, इजी नहीं मतलब थोड़ा और समझाने के लिए इजी कर लूं, तो अगर मैं इसको लेता हूं एक्स स्क्वायर, कोई कहता है आप निकालो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ इसको बोलते हैं एफ ओ जी फंक्शन, ठीक है जी, कॉम्पोजिट फंक्शन ही है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. अब इसका मतलब क्या वो समझना, एफ एक्स के अंदर एक फंक्शन जी एक्स है, मतलब जो मेरा एफ एक्स है जी एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा एक्स स्क्वायर, जी एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, पहले बताओ इतनी बात समझ आई नहीं आई, गुड आ गई. अब इसका मतलब क्या है, याद है आप नाइन्थ क्लास में एक वैलिड क्वेश्चन ढूंढते थे, अगर मेरा पॉलिनोमियल होता था एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, आपको कहा गया था पी ऑफ टू निकालो, इस तब क्या करते थे एक्स की जगह क्या पुट करते थे टू स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू, सो माइनस टू आंसर आता. ये वही चीज है, जहां मेरा जी एक्स है मतलब फंक्शन में जहां एक्स है उसकी जगह क्या चेंज कर दूं एक्स स्क्वायर, तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया साइन ऑफ, ये मेरा आंसर आ गया. क्या कोई मुश्किल चीज नहीं. अब वो मेरे को इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट, ये इसका थॉट था, बेस था, कहना क्या चाह रहा है. और कहता एफ डैश ऑफ एच डैश ऑफ जी डैश एक्स, मतलब एक के अंदर दूसरा दूसरे के अंदर तीसरा, तो बट ये फंक्शन ही कह रहा उनके डेरिवेटिव्स कह रहा, क्या कह रहे डेरिवेटिव्स, तो पहले समझते हैं कि इनके डेरिवेटिव्स क्या हैं. हां जी, सबसे पहले एफ डैश एक्स, हां जी अर्श व्हाट इज एफ डैश एक्स, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का, ये प्लस वन में बड़ा कॉमन टॉपिक, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था वन बाय टू रूट एक्स, तो रूट यू का डेरिवेटिव क्या होगा वन बाय टू रूट यू, ये यू आ गया, यू का मतलब एनी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन. और आपको पता है जब भी एक्स के साथ कुछ हो उसको हम अपनी भाषा में यू बोलते हैं, ठीक है, तो यू का डेरिवेटिव लेना तो मैंडेटरी है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वन का डेरिवेटिव जीरो, तो ये टू से टू कटा, तो मेरा एफ डैश एक्स क्या आया बेटा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन. क्या ये बात समझ आई सबको, बोलिए. अब बात करते हैं जी डैश एक्स की, बेटे आपका नाम क्या है, विशेष, विशेष मेरे को ये बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे लोगे जी डैश एक्स का, बोलो क्वेश्चन रूल, बिल्कुल सही, उसमें क्या होता था डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, एक्स का डेरिवेटिव वन वन का जीरो, माइनस न्यूमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यस और नो, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है जी. ये मेरे पास जी डैश एक्स, तो यहां से जी डैश एक्स क्या जनरेट हुआ एग्जैक्टली माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, यस इज दैट ओके. अगर आप ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इनमें से माइनस कॉमन कर लूं तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन, विच इज नथिंग बट एक्स माइनस वन का, यस और नो, बोलिए अंडरस्टैंडेबल. अब आ जाए तीसरे पॉइंट पे, तीसरा पॉइंट है एच डैश एक्स, एच डैश एक्स सिंपल, इसका डेरिवेटिव क्या बना टू, खत्म, एग्रीड. अब वो मेरे से मांग क्या रहा है एफ डैश एच डैश जी डैश एक्स. अब मैं इसमें सबसे पहले निकालूंगा एच डैश जी डैश एक्स, क्या होगा एच डैश जी डैश एक्स की जगह क्या लिख दूं बेटा टू, सॉरी उल्टा बोल गया मैं,
जी डैश एक्स की जगह क्या लिख दो, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बेटा, एच डैश एक्स अपने आप में क्या है, टू, कॉन्स्टेंट। मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू आ जाए मेरा आंसर क्या है, कॉन्स्टेंट है। क्या है? तो टेक्निकली एच डैश एनीथिंग इज नथिंग बट बेटा टू। एग्री करते हो इस पॉइंट को? अगर ये टू है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे, एफ डैश एच डैश जी डैश एक्स। इतनी बात मैं लिख चुका हूं कि ये मेरी वैल्यू टू है, तो टेक्निकली ये एफ डैश ऑफ टू की बात कर रहा है। अगर एफ डैश टू की बात कर रहा है मतलब जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट कर दूंगा, इज दैट अंडरस्टैंडेबल? तो टू अपॉन टू स्क्वायर प्लस वन का अंडर रूट, तो फोर प्लस वन फाइव, चेक करो आंसर टू अपॉन रूट फाइव है। हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईली इंपॉर्टेंट। ये मैं अब फिर बता रहा हूं फॉर बोर्ड एग्जाम, दिस इज अ डिलीटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है, बट हमें करना है, हमें करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटेटिव पार्ट, ऐसे क्वेश्चन फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर फंक्शन। हाँ मुझे पता है, बट फॉर बोर्ड्स आपको दिखाना तो पड़ेगा ना यार, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दिखाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे उसको लास्ट दिया, लास्ट में मेरे को पता चला वो टू है। तो एच डैश ऑफ एनीथिंग मेरे को आपको दिखाना तो पड़ना था ना कि भाई एच के अंदर कुछ भी आ जाए वो कॉन्स्टेंट ही दे रहा है। जैसे एक इक्वेशन ऑफ लाइन वाई इज इक्वल टू टू, उसका मतलब क्या होता है, कभी उसका डिफाइंड मतलब सोचा है? वाई इज इक्वल टू टू का मतलब क्या होता है, एक्स की कोई भी वैल्यू हो जाए वाई हमेशा टू रहेगा, इसीलिए दैट इज अ लाइन विच इज ऑलवेज पासिंग थ्रू टू कॉमा जीरो कॉमा टू एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। डिड यू गेट दिस पॉइंट? करियर नोट जल्दी से।